विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान भारत लौट चुके हैं। भारत वो अकेले नहीं आए हैं, वो लाए हैं अपने साथ वीरता की एक ऐसी गाथा जिसको सदियों तक याद किया जाएगा। कि एक ऐसी गाथा जो इतिहास के किताबों की एक अमर घटना को याद दिलाती है, वो घटना जो सिकंदर और पोरस के बीच में हुई थी। इतिहास की किताबों में हमने पढ़ा है कि जब सिकंदर ने पोरस से युद्ध किया और पोरस को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, सिकंदर ने उन्हें बंदी बना लिया, तो सिकंदर ने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पोरस ने सीना चौड़ा करते हुए एक वीर की भांति सिकंदर की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया कि ठीक वैसा ही जैसे एक राजा को दूसरे राजा से करना चाहिए। सिकंदर की गिरफ्त में पोरस का ये जज्बा देखिए, वही जज्बा हमें देखने को मिला अभिनंदन की आंखों में जब वो पाक सेना के कब्जे में थे। ये पूरी घटना देखते सुनते हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभिनंदन वर्तमान का MiG-21 से उड़ान भरना, पाकिस्तान की जद में रहना और उसके बाद वतन वापसी करना, ये पूरी कहानी पल पल की अपडेट के साथ हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं। नजर डालते हैं इस वीर गाथा पर। बुधवार का दिन था, सुबह के 9:35 बजे पाकिस्तान की तरफ से लगभग 20 के करीब F-16 विमान ने उड़ान भरी। उनका टारगेट था भारतीय सीमा। LOC को जैसे ही उन्होंने पार किया, वो भारतीय वायुसेना के रडार पर आ गए। जैसे ही F-16 विमान रडार पर आए, भारतीय वायुसेना एक्टिव हो गई। गश्त के लिए 3 सुखोई विमान थे और 2 MiG-21 विमान थे। फिर क्या था, 5 विमान चल पड़े दुश्मन के 20 विमानों से लोहा लेने के लिए। F-16 विमान जो दुश्मन के पास थे वो बहुत अत्याधुनिक तकनीक के थे और MiG-21 विमान जिनसे गश्त की जा रही थी वो उस तकनीक से कहीं कमतर थे। लेकिन पाकिस्तान को भी शायद पता नहीं था कि MiG-21 भले ही F-16 से तकनीक में दोयम हो, लेकिन उसमें एक ऐसा लड़ाका बैठा है जिसका जज्बा हर तकनीक पर भारी पड़ेगा, और हुआ भी वही। एक MiG-21 विमान में सवार अभिनंदन वर्तमान दुश्मन से लोहा लेने निकल पड़े, F-16 विमान को गिराने निकल पड़े। उन्होंने F-16 विमान को ना सिर्फ भारतीय सीमा से खदेड़ा बल्कि उसकी सीमा में घुसकर उसे मार गिराया। इस पूरे ऑपरेशन में अभिनंदन का MiG-21 विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उन्हें एक सुरक्षित एग्जिट लेनी पड़ी। अभिनंदन पैराशूट लगाकर नीचे की तरफ कूदे। जैसे ही उन्होंने धरती पर एग्जिट किया, वैसे ही उन्होंने पाया कि वो एक ऐसी जगह है जिसका नाम और पता उनको पता नहीं है। अभिनंदन ने जैसे ही एग्जिट लेते हुए आसमान से धरती को छुआ, वैसे ही आसपास के नागरिक उनके आसपास जमा हो गए। अभिनंदन ने जब उनसे पूछा कि ये भारत है या पाकिस्तान की सीमा, तो उन्होंने झूठ कहा कि ये भारत की सीमा है। अभिनंदन ने कंफर्म करने के लिए जय माता दी का उद्घोष किया, लेकिन जवाब नहीं आया। अभिनंदन को शक हुआ। इसी बीच नागरिकों में से किसी नागरिक ने पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद का नारा लगा दिया। इसके चलते अभिनंदन को ये ज्ञान हो गया कि वो दुश्मन की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन अभिनंदन जरा भी डरे नहीं, जरा भी सहमे नहीं, क्योंकि वो भारतीय जावाज थे। उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा तो आसपास के नागरिकों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। अभिनंदन ने भी डटकर सामना किया और उन्होंने अपनी सर्विस रिवाल्वर निकालकर हवा में फायर किए। वो चाहते तो भीड़ को भगाने के लिए उन पर फायर झोंक सकते थे, लेकिन अभिनंदन एक समझदार और एक जिम्मेदार एयरफोर्स के ऑफिसर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसमें जान माल का नुकसान हो या जिसमें किसी भी नागरिक को चोट पहुंचे। अभिनंदन ने वहां से भागना शुरू किया और भागते भागते जो जरूरी कागजात उनके पास थे जिसमें अहम और कॉन्फिडेंशियल जानकारियां थीं, वो उन्होंने मुंह में निगल ली। अभिनंदन के पीछे पीछे नागरिक और पाकिस्तान आर्मी के लोग भाग रहे थे और अभिनंदन जान हथेली पर रखकर सुरक्षित और कॉन्फिडेंशियल कागजों को अपने पास रखे हुए थे और इस चिंता में थे कि इन्हें कैसे ठिकाना लगाया जाए जिससे कि वो दुश्मन की जद में ना आ सकें और दुश्मन को अहम जानकारियां ना मिल सकें। अभिनंदन का दिमाग अपनी जान के लिए नहीं सोच रहा था, वो सोच रहा था तो अपने वतन के लिए सोच रहा था। और इसी बीच अभिनंदन को एक तालाब मिला जिसमें उन्होंने बड़े ही चालाकी के साथ अहम दस्तावेजों से जुड़ी फाइल डुबो दी जिससे कि पाकिस्तान के नागरिकों को और पाकिस्तान के ऑफिसर्स को इस फाइल का पता ना लग पाए। इसके बाद भी वो सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हवा में फायर करते हुए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही सामने पानी का एक तालाब आया और पीछे से भीड़ आई तो उनके कदम थोड़े ठिठके। इसी बीच हालात का फायदा उठाते हुए भीड़ में से एक इंसान ने अभिनंदन पर पत्थर दे मारा। अभिनंदन घायल हुए और वो गिर पड़े, लेकिन उनके जेहन में ना तो डर था और ना ही किसी तरह का मौत का भय। वो दुश्मन के जबड़े में थे, वो जानते थे, लेकिन उन्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी। उन्हें इस बात का सुकून जरूर था कि उन्होंने अपनी भारत माता की रक्षा की है। विंग कमांडर अभिनंदन अब चारों तरफ से घिर चुके थे, उन पे नागरिक पथराव कर रहे थे और पाकिस्तानी आर्मी की चपेट में वो आ चुके थे।
कोई और आम इंसान होता तो शायद इस हालात को देखकर डर जाता, सहम जाता और वो दुश्मन के सामने सरेंडर कर देता, लेकिन ये भारत के जाबाज थे, ये ऐसे पिघलते नहीं हैं। इनके इरादे फौलाद जैसे होते हैं, पत्थर जैसे होते हैं, जिनको पिघलाना इतना आसान होता नहीं है। और यही पाकिस्तान आर्मी को देखने को मिला इसके बाद के घटनाक्रम में। पाकिस्तानी आर्मी जब उन्हें अपने साथ लेकर हेडक्वार्टर आई और उनसे पूछताछ शुरू की तो उसे लगा कि ये सारे अहम सुराग उसको मिलने वाले हैं, लेकिन उसको असफलता मिली। अब तक पाकिस्तानी आर्मी को भी ये महसूस हो गया था कि वो भारत के एक जावाज ऑफिसर से बात कर रहे हैं और उन्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इधर भारत में भी ये वायरल वीडियोस क्योंकि प्रसारित होने शुरू हो गए थे तो भारत की जनता ने भी अपनी सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया कि हमें विंग कमांडर अभिनंदन की सकुशल वापसी चाहिए। लेकिन भारत सरकार आतंकवाद के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हुई। पाकिस्तान के विदेश सचिव ने एक कोशिश जरूर की, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन की सुरक्षित रिहाई के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इसके लिए भारत को हमारी कुछ शर्त माननी पड़ेगी। और उन शर्तों में सबसे बड़ी शर्त यही थी कि भारत जो भी सैन्य कार्रवाई कर रहा है वो तुरंत प्रभाव से रोक दे। लेकिन भारत ने साफ और कड़ा रुख अख्तियार किया और भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ साफ चेतावनी देते हुए पाकिस्तान को कहा कि वो अभिनंदन के मसले पर किसी भी समझौते को तैयार नहीं है और भारत के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को पाकिस्तान को सकुशल वापस करना ही होगा, किसी भी हालत में करना होगा, और इससे उनके सैन्य कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगर अभिनंदन वापस भारत आ भी जाते हैं तो भारत आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकी ठिकानों के खिलाफ अपनी सैन्य कार्यवाही जारी रखेगा। इंटरनेशनल प्रेशर भी बना। सुषमा स्वराज ने लगातार विदेश मंत्रियों से बात की, लगातार इंटरनेशनल लेवल पर बात की और इसका परिणाम यह है कि ट्रंप जो कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम से बात कर रहे थे, अहम वार्ता चल रही थी, लेकिन उन्होंने भी भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर लगातार नजर रखी और इसी वार्ता के बीच में उन्होंने एक सिग्नल दिया। वो सिग्नल ये था कि जल्द ही भारत पाकिस्तान की तरफ से हमें कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। तभी से ये कयास लगाए गए कि अभिनंदन वर्तमान भारत वापस लौट रहे हैं और उनकी वापसी की राह में अब कोई रोड़ा साबित नहीं होने वाला है। और हुआ भी वही, आज सुबह अभिनंदन वर्तमान की वतन वापसी की राह साफ हो गई। रावलपिंडी से उन्हें लाहौर लेकर आया गया और लाहौर से सीधा वतन की वापसी उनकी हुई है और उन्होंने अपनी सरजमी को वापस छुआ है, माथे से लगाया है इस मिट्टी को जिसका कर्ज अदा करने के लिए वो दुश्मन देश की सीमा में जाकर उनकी आंख में आंख मिलाकर उनसे भिड़ गए थे। भारत में हर तरफ खुशी का माहौल है और भारत के सच्चे सपूत विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को देश सलाम करता है।